हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो आप लोग से मैं GKGS का टेस्ट लूँगा, स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 20। अगर आप लोग 20 में से 12 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट करते हैं तो आपकी GKGS की तैयारी अच्छी है। अगर आपको और भी टेस्ट की वीडियोस देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको GK, हिंदी, कला वर्ग, जनरल साइंस की टेस्ट की वीडियोस मिल जाएगी, एंड वहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको मिल जाएगा 10 ईयर का। PDF वगैरह चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन मिसाइल। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी हूँ, तो आप लोग जाके ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट को। लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी? स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी? पहला का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो स्वच्छ भारत मिशन की जो शुरुआत की गई थी माय डियर फ्रेंड्स, वो की गई थी 2 अक्टूबर 2014 से। ठीक है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर, स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य ये था कि वर्ष 2019 तक देश को स्वच्छ बनाना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप लोग यहाँ देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा छोटा सिंगल नेटवर्क है? छोटा सिंगल नेटवर्क कौन सा है? सेकंड का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। लोकल एरिया नेटवर्क, ये जो है आपका छोटा सिंगल नेटवर्क है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अगला प्रश्न, 1 मेगाबाइट लगभग किसके समान है? 1 मेगाबाइट जो है लगभग किसके समान है? 3 का राइट आंसर बताने के प्रयास करेंगे सभी लोग। अगर आपको आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। ठीक है, 1 मेगाबाइट जो है लगभग किसके समान होता है ये आपको बताना है। तो 1 मेगाबाइट लगभग जो समान होता है 1 मिलियन बाइट्स के समान होता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं, अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? 4 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। और 2021 में अगर आपको यूपी से बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको मेरे चैनल के माध्यम से सबसे पहले देखने को मिलेगी। एग्ज़ाम बाद का प्रोसेस क्या होता है, काउंसलिंग कैसे होती है, एडमिशन कैसे होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवाने होते हैं, तो ये सारी जानकारी आपको मेरे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। तो अनसॉलिसिटेड ईमेल को जो कहते हैं स्पैम। क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। ठीक है, चलिए, इंपॉर्टेंट डे से आपके एग्ज़ाम में 1 तो फिक्स है, 2 भी आ सकता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है 25 नवंबर को। ठीक है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर, आई थिंक ये क्वेश्चंस मैं मॉर्निंग में करवाया था ये वाला क्वेश्चन, कि विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है, तो वो है स्कर्वी। ठीक है, और रिकेट्स, विटामिन डी। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी का ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? 7 का जवाब देंगे सभी लोग। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? और ये सारे क्वेश्चंस मैं पहले भी करवा चुका हूँ, आपका रिवीजन करवा रहा हूँ मैं आप लोगों का। 15+ इसमें आपका स्कोर जाना चाहिए क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं आप लोग। तो धर्मनिरपेक्षता का जो अर्थ होता है माय डियर फ्रेंड्स, वो होता है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। ठीक है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि सभी धर्मों को स्वीकार करना। अगला प्रश्न, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 8 का जवाब देंगे, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 8वां का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 से 28 में। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अगला प्रश्न, इनमें से कौन बायोडिग्रेडेबल नहीं है? बायोडिग्रेडेबल नहीं है कौन इसमें से? सब्जी तो है ही है, आपका फल भी है, केचुआ भी है, एल्युमिनियम फॉइल जो है आपका बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर, मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी है? सभी को पता होगा, जोड़े में पूछे तो 23 जोड़ा, संख्या पूछे 46। ठीक है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इनमें अधिकतम ऊर्जा किसमें है? इनमें जो है
अधिकतम ऊर्जा किस में है? 11 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस मैं पहले भी करवा चुका हूं, तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपके कमेंट को मैं लाइक कर दे तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूंगा। चलिए, भारतीय मृदा में कमी है किसकी? भारतीय मृदा में कमी है किसकी, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो भारतीय मृदा में जो है कमी है नाइट्रोजन की, ठीक है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तीस्ता नदी का जल विवाद किस देश के साथ है? तीस्ता नदी का जल विवाद किस देश के साथ है? 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो तीस्ता नदी का जल विवाद जो है भारत और बांग्लादेश के साथ है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, HTML का विस्तृत रूप क्या है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है HTML का फुल फॉर्म। तो HTML का जो विस्तृत रूप होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तीन बीघा विवाद किस देश के साथ है? तीन बीघा विवाद जो है किस देश के साथ है? 15 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो तीन बीघा विवाद जो है ये भी भारत और बांग्लादेश के साथ है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ क्या है? भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ क्या है? 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो भारत एक गणतंत्र, इसका जो अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ठीक है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है, सभी लोगों को पता होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं आप लोग कि लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? कितना होता है? 1/10 होता है, ठीक है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है? राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को अपनी मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो ये है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को अपनी मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये थे जीके जीएस के टॉप 20 क्वेश्चंस। इन 20 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही डेली वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अब मैं आप लोगों से एक लास्ट में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन ये हैं, रिपब्लिक के लेखक कौन है? क्वेश्चन क्या है, रिपब्लिक के लेखक कौन है? ऑप्शन है अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, प्लूटार्क। नाम लिखिएगा आप लोग, ठीक है, रिपब्लिक के जो भी लेखक हों, अरस्तु हों, चाहे सुकरात हों, प्लेटो हों, प्लूटार्क हों, जो भी हों, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राइट आंसर बताइएगा और स्कोर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पे, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।